Assalamualaikum guys and welcome back to another video. और आज की वीडियो में हम मौजूद हैं अली खान ऑटो कंपनी पे और आज आपको जो बाइक दिखाने लगे हैं बहुत ही ज़्यादा लेवल का है। वीडियो में एंड तक बनेगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मिलते हैं अली भाई से। Assalamualaikum। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई, आप सुनाइए कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट रिव्यू हमारा बड़ा वायरल गया और लोगों के बड़े रिस्पांस हमारे पास आए, तो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह, जैसा कि व्यूअर्स आप सब जानते हैं कि आपको तमाम टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट्स मॉडल, खासतौर पर जो फर्स्ट कमिंग होते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ अली खान ऑटो कंपनी और आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। तो इस टाइम पर भी जो आप अपनी स्क्रीन पर बाइक देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का ओनली वन बाइक है जो कि अली खान ऑटो कंपनी पे आपको मिलेगा और आप इस YouTube चैनल के ऊपर देख रहे हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद डिटेल्स पे जाने से पहले आपको बताते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, ये कौन सा बाइक है, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। डिजिटल डिस्प्ले इसके अंदर आपको मिलता है फ्रेंड्स, और इसमें आपको हमारे पास फ्यूल बार्स का ऑप्शन है, ट्रिप का ऑप्शन है, टाइम का ऑप्शन है और हीट का ऑप्शन है। इसके अलावा किलोमीटर्स पर आवर का ऑप्शन है, आरपीएम का ऑप्शन है, बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स के साथ ये फुली लोडेड बाइक है। राइट हैंड साइड पे दिखाएं तो इसमें किल स्विच का जैसे स्पोर्ट्स बाइक्स में आता है, हेडलाइट का ऑप्शन है और सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन है। सेल्फ स्टार्ट से आपको पता तो चल चुका है क्योंकि ये इंजन वाला बाइक भी नज़र आ रहा होगा कि ये एक पेट्रोल बाइक है और पेट्रोल बाइक अपने आप में एक ही है, ओनली वन इन पाकिस्तान। अली खान ऑटो कंपनी पे आ चुका है, न्यू एशिया ग्रुप ऑफ कंपनीज ने इस बाइक को इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान के अंदर। जोंगशन कंपनी का चाइना बिगेस्ट इंजन बाइक्स मैन्युफैक्चरर, जोंगशन कंपनी का ये बाइक है जो कि आप इस टाइम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। सही हो गया। 150cc इसकी इंजन डिस्प्लेसमेंट है, नियॉन कलर इसका बाइक का जो कलर कम्बिनेशन है ब्लैक एंड नियॉन है। फ्रेम आप देख रहे हैं इटालियन स्टैंडर्ड्स पे इसको डिज़ाइन किया गया और ये आपको बाइक पाकिस्तान के अलावा किस कंट्री में मिलेगा, यूएसए में, कनाडा में, जर्मनी के अंदर, क्योंकि ये लोकल मार्केट के लिए बनाई है। इसकी बिल्ड क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है और ये पर्सनली इंपोर्ट करवाया गया है थैंक्स टू हाजी रमज़ान साहब, सीईओ ऑफ न्यू एशिया ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिन्होंने मेरे लिए ये बाइक मंगवाया। और इंशाल्लाह अगर आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी तो हम इसको मज़ीद भी आप लोगों के लिए मंगवाएंगे। हैंडल की अगर बात कर ली जाए तो आपको इसके अंदर यू शेप हैंडल मिल जाता है फ्रेंड, जो कि एलुमिनियम में और बहुत ही क्लासी है। लेफ्ट हैंड साइड ग्रिप की बात करें तो इसमें हमारे पास हैज़र्ड्स का ऑप्शन है, लाइट ऑन ऑफ का ऑप्शन है, डिपर का ऑप्शन है, इसके अलावा हॉर्न का ऑप्शन है और चोक का ऑप्शन है। क्योंकि ये कार्बोरेटर बेस्ड है तो इसमें हमें चोक का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ से अगर इसकी साइड फिन्स की बात कर ली जाए तो बहुत ही खूबसूरत स्पोर्टी शेप के अंदर आपको ये बाइक मिलता है। और यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो इसमें सिल्वर नेट का भी आपको थोड़ा कम्बिनेशन मिल जाएगा। एग्जॉस्ट की बात करें क्योंकि बड़ा तजस्सुस होता है लोगों को इसके बारे में पूछने के अंदर, सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ है, जो सिंगल पाइप आ रहा है उसको फर्दर मोर 3 एग्जॉस्ट पाइप के साथ इसकी एग्जॉस्ट आउट किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिन्स शेप के अंदर इसमें एग्जॉस्ट इंस्टॉल्ड है और इसका जो साउंड है वो नॉइस एमिशन कंट्रोल है लेकिन बेस है। हम आपको अभी स्टार्ट भी करके चेक कराएंगे और इसकी बेस भी सुनाएंगे कि वाकई इसके अंदर बेस है या नहीं। मोनो शॉक इसमें इंस्टॉल किया गया है, अपसाइड डाउन शॉक्स इसमें इंस्टॉल्ड है। फ्रंट के ऊपर अगर डिस्क ब्रेक्स की बात कर ली जाए तो आप ये देख सकते हैं डुअल पिस्टन कैलिबर डिस्क ब्रेक्स इसमें इंस्टॉल्ड है। हैवी बाइक वाली जो फैटनेस थिकनेस है 120/70/12 का इसका साइज फ्रंट पे, और जो रियर टायर है वो भी 120/70/12 का हमें रियर में टायर इसका मिल जाता है। रियर पे भी हमें सिंगल पिस्टन कैलिबर डिस्क ब्रेक्स का ऑप्शन मिल जाता है। तेल आप देख सकते हैं सेम स्पोर्ट बाइक जैसा कि आपको यामा R1 R1M या सुजुकी जिक्सर के अंदर जैसे टेल मिलती है, ठीक वही उसी पैटर्न पर आपको टेल मिलती है। यहाँ पर आप नेम प्लेट नंबर प्लेट लगा सकते हैं। बैक साइड पर अगर दिखाऊँ तो फ्लैशिंग LED इंडिकेटर्स हैं, इसी के अंदर आपको बैक लाइट और इंडिकेटर्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। सीट इसकी कर्वी आप देख सकते हैं, सीटिंग कैपेसिटी फॉर 2 पर्सन है पिलियन के लिए। रियर फुटरेस्ट भी आपको नज़र आ रहे होंगे फ्रेंड्स, सिल्वर के अंदर है, आप 2 बंदे इसको बैठ के इजीली राइड कर सकते हैं। अच्छा, हाइट के हवाले से इसकी मैं बात करूँ तो ये ठीक 70 या 125 जितनी ही इसकी हाइट है। आपको इसके छोटे टायर्स की वजह से शायद ऐसा फील हो कि ये बाइक छोटा है। लाइट के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही खूबसूरत कैननाइज जैसी इसकी जो DRL लाइट्स है वो आपको मिलती है। मज़ीद फुल लाइट के लिए आपको यहाँ पे येलो कलर का जो बल्ब है वो मिल जाता है और इसमें भी हाई लो का ऑप्शन आपको मिल जाता है। मैं हाई लो करके भी दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत ब्राइट लाइट इसमें आपको मिलती है और साथ में फ्लैशिंग LED इंडिकेटर्स इसमें जो कि इंस्टॉल किए गए हैं और इसकी खूबसूरती को 4 चांद भी लगाते हैं। स्टार्ट करके दिखाते हैं, स्टार्ट करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो आपने इसके स्विच को ऑन करना है, डाउन साइड शिफ्ट करेंगे तो किल स्विच ऑन होगा। इसके बाद जब आप सेल्फ को पुश करेंगे तो ये स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा इसको शॉर्टर देके भी आपको चेक कराते हैं और आपको थोड़ा करीब से सुनाते भी हैं। मैं माइक पास ले आता हूँ। साउंड में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा
रहा था लेकिन बहुत ही मजे का साउंड ज्यादा है इसकी। जिस टाइम हम लोग एग्जॉस्ट के अंदर क्या कहते हैं वो सिलेंसर के अंदर जो बांसुरी या क्या होती है वो अगर निकाल दे तो इसमें शोर डालना है, लेकिन अभी वो नहीं निकल रहा नॉइस एमिशन एग्जॉस्ट, तो इस वजह से इसका बेस आ रहा है। आपको पता लगता है कि एक स्पोर्ट्स बाइक को राइड करने लगे या स्टार्ट किया गया। बिल्कुल बैठ के मैंने आपको दिखा दी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी कंप्लीट एक स्टार्ट भी करवाएंगे। जैसे कि मैंने बताया इसकी सीटिंग कैपेसिटी 4x2 है, नियॉन कलर के अंदर है, 150cc इंजन डिस्प्लेसमेंट है, फ्रंट एंड बैक इसकी डिस्क ब्रेक्स है, 120/75 इसका टायर साइज है, फ्रंट बैक डिस्क ब्रेक होने के साथ नहायत ही खूबसूरत और पहली दफ़ा खास तौर पर ये आज पहली वीडियो बन रही है। ब्रेकआउट मॉडल नेम है इसका, आप सर्च कर सकते हैं जॉन्क्शन ब्रेकआउट। तो अभी आया दिखाना है तो कंपनी पे अगर आप इसकी फ्री टेस्ट राइड लेना चाहते हैं, इस बाइक को एंजॉय करना चाहते हैं तो आए हमारे पास, इसको आप राइड कर सकते हैं। बहुत ही थ्रिल है इस बाइक में, क्या आप इस थ्रिल बाइक को राइड करना चाहेंगे, आज अली खान ऑटो कंपनी में। लास्ट में बात करते हैं इसकी प्राइस के हवाले से, एक्सपेक्टेड प्राइस इसकी 475 से 550 है, जो भी इसकी कंफर्म प्राइस होगी इसी यूट्यूब चैनल पे आपको बता देंगे। गांव में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।